मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग देखें ग्रामर का रिवीजन करेंगे, और यकीन मानिए कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को निपुण बनाती है, योग्य बनाती है। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत आपका फायदा होने वाला है। तो घर बैठे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो चलिए 8-10 मिनट के वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, द बॉय सेड मदर आई एम हंगरी। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जी हाँ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। लिखा हुआ था बॉय सेड, यहाँ पे आंसर लिखते हैं बॉय सेड मदर आई एम हंगरी। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब है द बॉय सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया जाए और रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा लगाकर कोई वर्ड एड्रेशन के रूप में दिया जाए, संबोधन के रूप में दिया जाए, तो उस वर्ड को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर इसको हम डीपली समझेंगे तो क्या लिखा, देखिए लड़के ने कहा माँ मैं भूखा हूं, तो लड़के ने माँ से ही तो बोला है, तो माँ क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। लड़का जो है माँ से बात करता है, तो द बॉय सेड मदर को आप द बॉय सेड टू मदर मान सकते हैं, वही माना जाएगा। तो जब सेड टू मदर यहाँ हमने सपोज कर लिया है, तो सेड टू का टोल्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों जब रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इन अफर्मेटिव, जब अफर्मेटिव होती है तब, तो सेड टू मदर का टोल्ड मदर हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, लिखेंगे द बॉय, उसके बाद हो जाएगा टोल्ड, फिर आ जाएगा मदर। क्या आ जाएगा, मदर, द बॉय टोल्ड मदर। ठीक है, यहाँ भी ये कुछ नहीं बना है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में दैट लगा देंगे, दैट के बाद में देखिए यहाँ पे कह रहा है आई एम हंगरी, बच्चा कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, तो इसका मतलब वह भूखा है बच्चा, तो आई की जगह सीधा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में बोला जाएगा वह भूखा है। डायरेक्ट स्पीच में बच्चा कह रहा है मैं भूखा हूँ, इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन में बोला जाएगा वह भूखा है, तो आई की जगह ही आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वो एम ये प्रेजेंट टेंस है, जबकि एक्चुअली में जो कहा गया वो पास्ट में बोला गया, तो एम की जगह मेरे प्यारे बच्चों वाज हो जाएगा और हंगरी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो आपका इनडायरेक्ट बन गया द बॉय टोल्ड मदर दैट ही वाज हंगरी। ठीक है, चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी इज प्रेटी, हर सिस्टर इज प्रेटी, सिंपल करना है, देख लेते हैं फिर से। देखो सी इज प्रेटी, वह सुंदर है, हर सिस्टर इज प्रेटी, उसकी बहन भी सुंदर है, सिंपल में करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों क्लॉज में एक समान सेंटेंस दिए गए हों, जैसे दोनों में प्रेटी प्रेटी लिखा था, तो बताइए जरा दिमाग लगाइए कैसे सिंपल बनेगा। जी हाँ, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एज डॉट डॉट एज, एज एज का प्रयोग सिंपल में अब आपको करना है, क्योंकि दोनों क्लॉज में एक ही बात लिखी है, वह सुंदर है, उसकी बहन भी सुंदर है, तो वह जितनी सुंदर है उतनी उसकी बहन सुंदर है। तो देखिए पहली क्लॉज से सी उठाएंगे, तो लिखेंगे सी इज, ठीक सी इज, अब इस प्रेटी से पहले एज जोड़ देंगे, एज फिर लिख देंगे प्रेटी, सी इज एज प्रेटी, और फिर एज लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, हर सिस्टर, सी इज एज प्रेटी एज हर सिस्टर, ये आपका सिंपल हो गया, सी इज एज प्रेटी एज हर सिस्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए थर्ड में दिया गया मैनी, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, सॉरी, थर्ड सेंटेंस देखिए, मैनी यू कैन रीड इंग्लिश, तुम में से बहुत सारे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसको हमें करना है कंपाउंड। क्या करना है, कंपाउंड, हिंदी समझिए, बहुत सारे लोग अंग्रेजी लिख सकते हैं, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो मैंने बताया था कंपाउंड के लिए, मैंने आपको बताया था फैन बॉयस, ये कंपाउंड में आपके कंजक्शन लगेंगे, एफ से फॉर हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, ओ से अदरवाइज हो गया, वाई से येट हो गया, एस से स्टिल हो गया, या सो हो गया, ये वाले आपके कंजक्शन लगने हैं। तो देखिए कैसे मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे, मैनी यू कैन रीड इंग्लिश, अब आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैनी यू कैन, आगे लिख देंगे रीड इंग्लिश, बहुत सारे तुम में से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन, जी हाँ क्या कंजक्शन जोड़ दिया, बट कंपाउंड में, लेकिन
लेकिन के बाद लिख देंगे यू कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते, बट यू कांट स्पीक और आगे लिख देंगे इंग्लिश। तो बट के प्रयोग से आपका ये हो गया क्या नाम कंपाउंड। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर में, ही इज हार्ड वर्किंग एवरी वन नोज इट, कॉम्प्लेक्स करना है, वह है हार्ड वर्किंग है, हर कोई इस बात को जानता है, कॉम्प्लेक्स करना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बड़ी शानदार मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि एवरीवन आए, एवरीवन आ जाए, एवरी बडी आ जाए, तो उन सभी में दैट का प्रयोग करते हैं जब भी आप कंपाउंड बनाएंगे तो दैट, और यही क्लॉज पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे एवरीवन नोज, आंसर में क्या करेंगे एवरीवन, और फिर वही आगे जो लिखा था नोज, और लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दैट, ठीक है, एवरीवन नोज दैट, दैट के बाद में ये वाली क्लॉज आ जाएगी ही से ही इज हार्ड वर्किंग, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो एवरीवन वाली ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। फिर देखिए पांचवा, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट, कॉम्प्लेक्स करना है, ही इज पुअर वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, इन स्पाइट ऑफ इट इसके बावजूद वह ईमानदार है, कॉम्प्लेक्स इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, कौन सा ये यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट वाला कंजक्शन लगना है, विरोध वाला, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो फिर भी तो लगता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो माने होता है यद्यपि, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो यद्यप की अंग्रेजी क्या होती है पांचवे सेंटेंस में हम यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे हम लिखे दे रहे दो, टी एच ओ यू डी एच, दो माने यद्यप, वह गरीब है ये वाला लिख देंगे, दो ही इज पुअर कॉमा लगा कर लिख देंगे, ही इज वही क्लॉज पूरी उतार देंगे, ही इज ऑनेस्ट फुल स्टॉप, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद में मैंने आपके रिविजन के लिए दो इम्पॉर्टेंट idioms लिए हैं, ये कीप ऑन और गिव अप, कीप ऑन और गिव अप। मेरे प्यारे बच्चों कीप ऑन क्या होता है देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, क्या करना कंटिन्यू करना, जारी रखना, हिंदी में कहेंगे जारी रखना, कीप ऑन का मतलब है जारी रखना। एक सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं, प्लीज कीप ऑन योर एफर्ट, कृपया अपना प्रयत्न जारी रखो, प्लीज कीप ऑन योर एफर्ट, ई डबल एफ ओ आर टी लिखा है, प्लीज कीप ऑन योर एफर्ट, कृपया अपना एफर्ट जारी रखो, ठीक है। कीप ऑन के बाद में मैंने दूसरा लिया था गिव अप, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इन सबको आप नोट करते जाएं। देखिए प्रैक्टिस मैंने बताया, प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लीव, मतलब छोड़ना या त्यागना, गिव अप का मतलब है छोड़ना या त्यागना। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज प्लीज क्या करिए, गिव अप मैंने छोड़ दो, क्या छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, स्मोकिंग, प्लीज गिव अप स्मोकिंग, कृपया धूम्रपान छोड़ दो, ठीक है, ये आपका हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश में तो जरूर जुड़ जाइए।